हरियाणा सरकार ने थ्री व्हीलर वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए अब जिला मुख्यालय पर ही इनके वाहनों की पासिंग होगी, जिसके लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पानीपत, रोहतक, जिंद, झज्जर और सोनीपत के जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं कि ई रिक्शा और अन्य थ्री व्हीलर वाहन चालक जो कि पहले रोहतक जाकर वाहनों की पासिंग करवाते थे, वह अब जिला स्तर पर ही पासिंग करवा सकेंगे, जिससे उनका समय भी बचेगा और खर्चा भी कम होगा। कल हमारे परिवहन आयुक्त हरियाणा से हमें आदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो इनको बड़ी राहत देते हुए ई रिक्शा और जो थ्री व्हीलर हैं दोनों पैसेंजर और गुड्स, इनको एक बड़ी राहत देते हुए सरकार से आदेश प्राप्त हुए हैं कि इनको सोनीपत में ही इनकी पासिंग की जाए। जो इनको हर साल जो पुराने ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा हैं इनको हर साल पासिंग करवानी पड़ती है, तो इससे पूर्व में इनको रोहतक जाना पड़ता था, तो इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि ई रिक्शा इतनी चार्जिंग होती नहीं है कि वो रोहतक जाए और रोहतक से वापस आए। तो इन्हीं दिक्कतों को सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए और इसका समाधान निकाला है कि इनकी अब जो वार्षिक पासिंग होती है वो अब सोनीपत में ही हुआ करेगी। सर किस किस वाले को ई कार्ड कहते हैं? ये तो हो गई, उसके बाद थ्री व्हीलर, चाहे वो सवारी हों चाहे माल ढोने वाले हों भार ढोने वाले हों, इन तरह के जो जितने भी थ्री व्हीलर व्हीकल हैं वो अब सोनीपत में ही पास किए जाएंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।